मैं धर्मदेव यादव सहायक अध्यापक माँ शारदा शर्मा जी विद्यालय भोईली गोदाम जौनपुर से कक्षा 10 संस्कृत में पांचवा पाठ विश्वकवि रविंद्र के शिक्षा नामक भाग से पढ़ा रहा हूँ। बालकस्य मनः विद्यालयेषु न लभते। बालकस्य माने बालक का मन, माने मन, विद्यालयेषु माने विद्यालय में, न माने नहीं रमते माने लगता था, इति माने ऐसा। बालक का मन विद्यालय में नहीं लगता था। विचिंत जनक यह सोच, जनक माने पिता, विचिंत माने सोच कर, यह सोच कर उनके पिता देवेंद्रनाथ ने त्रिशत अत्याधिकाष्टादश शतकवि ख्रीष्टाब्दे, कहते हैं कि देव उनके पिता, यह सोचकर उनके पिता देवेंद्रनाथ ने 1873 ईस्वी में उनका सुनोप रूप नयन संस्कार विधाय तम सर्वे धर्ममेव इमायम मान्यत, कहता है उनका उपनयन संस्कार करके वे अपने धर्म साधन में, उस धर्म को साध करने के लिए हिमालय मनय माने ले गए। तत्र पितु सर्व संपर्क, वहाँ पिता के संपर्क में बालकस्य मन, बालक का मन स्वच्छता भजत, मन उनका मन स्वच्छता तरह स्वच्छता से लगा। वहाँ हिमालय पर वहाँ पिता के संपर्क में बालक का मन स्वच्छता पूर्वक लगा। तत्रस्य भवनस्य पृष्ठभागे, वहाँ भवन के पिछले भाग में हिमाच्छादिता श्रेणिया, बर्फ से ढकी हुई श्रेणिया आसन माने थी। भवन विमुखम शोभनाय, और भवन के वो आगे सुंदर सुसावृद्धानि क्षेत्राणि, भवन के सामने सुंदर और अन्न से सुशोभित लहलहाते थे, सुंदर लग रहे थे, राजन्ते माने राज सुशोभित हो रहे थे। अत्यंत अत्रंत्यम प्राकृतिक जीवनम, यहाँ के प्राकृतिक जीवन को बालकस्य मना निरंतराम रमयत, वहाँ बालक का मन निरंतर लगने लगा। जनको देवेंद्रनाथ, पिता देवेंद्रनाथ ने प्रतिदिन दिवसम, दिवसम माने दिन, प्रतिदिन नवी नया नई नई पद्धतियाँ माने पद्धतियों के द्वारा बच्चे को पढ़ाते थे। पितु पाठशैली, पिता के पढ़ाने का ढंग बालक को रोचने लगा। कालांतर माने कुछ समय के बाद वे हिमालयात माने हिमालय से, प्रतिनिधित्व माने हिमालय से लौटकर पुनः माने फिर विद्यालयी शिक्षा ले, विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने लगे।